कुछ धारणाएं हैं, जैसे कि ध्यान। ध्यान यानी कि विचारों के पार जाना, विचार शून्य अवस्था, विचारहीन अवस्था, एकदम शांत निर्विकल संकल्प विकल्प रहित अडोल शरीर की स्थिति और मन की एकाग्रता, जिसे हम संक्षिप्त मन कह सकते हैं, एकाग्र मन कह सकते हैं, यह धारणाएं हैं। पर जब साधक विपश्यना ध्यान में पहला शिविर शुरू करता है तो वो देखता है कि एक प्रकार से विचारों का स्फोट हो रहा है, जैसा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से स्फोट हुआ ना बिग, तो उस प्रकार का वह पहली बार जानता है कि स्थिर शरीर से वह जब साधना के लिए बैठता है और आने वाला सांस जाने वाला सांस इस पर मन एकाग्र करने की कोशिश करता है तो मन बार बार भटक जाता है और इस कदर उसे पता लगता है मन की अवस्था का कि कितना विक्षिप्त मन है, कितना चंचल, कितना दुरी है, उसे एक जगह पकड़ना कितना मुश्किल है। जो वात से भी यानी कि हवा से भी ज़्यादा चंचल, ज़्यादा ताकतवर, तो ऐसा मन उसको उस अवस्था में पता लगता है। साधक मित्रों, काया और चित्त दो क्षेत्र हैं। जब आप तीन शिविर करके एक सेवा दे के सतिपट्ठान के कोर्स में जाएंगे, एक साल की साधना करके, किसी को पहले ही इसमें कुछ कुछ बातें गुरुदेव के प्रवचन से आकलन हो जाती है, कुछ पूर्व जन्म की पुण्य पारमिताओं से, इस जन्म की पुण्य पारमिताओं से, अभ्यास से, उन्हें कुछ ऊपर की अवस्थाएँ पहले ही शिविर में प्राप्त हो जाती है, जैसे गुरुदेव को प्राप्त हुई। पर सामान्य साधक तीन शिविर करता है, मन एकाग्र करने की कोशिश करता है, फिर एक सेवा देकर एक साल तक साधना करके बाद में सतिपट्ठान के कोर्स में जाता है, तो उसमें पता लगता है काया का क्षेत्र और चित्त का क्षेत्र। काया का क्षेत्र का पता, कोई वेदना हो तो ही काया का पता लगेगा आपको, काया पर कुछ हलचल हो, कुछ अनुभूति हो तो ही काया का पता लगेगा। और चित्त का, चित्त पर कोई धम्म जागे, चित्त पर कोई वितर्क विचार जागकर धम्म का रूप लो तो चित्त का पता लगता है कि यह चित्त है। तो पहले शिविर में भी हमें क्या पता लगता है कि मन कैसा चंचल, कितना निगेटिव बातें, या कितना इसने क्रोध के संस्कार, द्वेष के संस्कार, मत्सर के संस्कार, और न जाने कितने यादें स्मृतियां अपने में एकत्र की है। जो जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, बड़े बड़े कंकर पत्थर ऊपर आएंगे पहले पहले तो, यानी कि जो दुखदायी क्लेशकारक, किसी ने हमारा अपमान किया हो, किसी ने हमारा नुकसान किया हो, किसी ने हमें हानि पहुंचाई हो, किसी के कारण कोई हम तकलीफ में चले गए हो, तो यही बातें याद आती है ज़्यादातर। और धीरे धीरे इनकी निर्जरा होते हुए वह अवस्था भी आती है कि जो भी हुआ उसके लिए 50% मैं कारणीभूत हूँ पहले पहले, तो बाद में तो यह भी पता लगता है कि मैं ही 100% जिम्मेदार हूँ। तो इस प्रकार का विचारों का स्फोट पता लगता है, धीरे धीरे उसकी जो विचारों की चंचलता है, मन की चंचलता है, विचारों का बिखराव है, वह धीरे धीरे समेटने लगता है। जैसे जैसे मन एकाग्र होता है सांसों पर, फिर विपश्यना देने मिलने के बाद शरीर की संवेदनाओं पर, तो धीरे धीरे विचारों की गति मंथर मंथर क्षीण क्षीण होते जाती है और विचार दूर दूर एक पार्श्व संगीत के जैसा, यानी कि दूर से कोई
आवाज़ें चल रही हो या दूर से कुछ चल रहा है दृश्य, इस प्रकार की अवस्था आती है और हम संवेदनाओं के सांसों के साथ रहते हैं। तो इन विचारों की धीरे धीरे जो भी विकार है उसकी निर्जरा होने लगती है। अब कभी कभी मैंने यह भी देखा है, कुछ मित्र कहते हैं कि मुझे तो कोई विचार ही नहीं आता। तो मित्रों, ये तो बात होती नहीं है। द्वितीय ध्यान की अवस्था है जब कुछ कुछ देर संकल्प विकल्प रहित अवस्थाएं प्राप्त होती है। होती है, क्यों नहीं होती, वह तो एक मुकाम है, वह भी एक माइलस्टोन है जिसे प्राप्ति होती ही है साधक को, जो जिसकी। तो पहले पहले तो विचार क्षीण होते जाते हैं, क्योंकि यह तो सारा बंडल, यानी कि एक जो पूरा धागों का बंडल होता है ना, पूरे धागों के एक जगह बना हुआ, तो उस प्रकार का यह अस्तित्व विकारों का, विचारों का, वितर्कों का, सारा मन में जो एकत्र किया है उसको डिलीट तो करना ही पड़ेगा। वहाँ डिलीट हुए बगैर, उसकी निर्जरा हुए बगैर तो किसकी मुक्ति। विचार एक आता है जब क्षीण 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 होते जाते हैं, फिर से एक लेयर टूटता है बीच में का, फिर नीचे से उठकर वोल्केनो जैसा फूटता है वैसा शायद, तो द्वेष के ऊपर आ जाए फिर नीचे के लेयर के, फिर हो सकता है प्रीतिकर रागात्मक या जिसे हम कहें प्रिय, जो भी संस्कार एकत्र हुए हैं उनकी भी तो निर्जरा होनी है। जैसे अप्रिय की निर्जरा होनी है, क्लेशकारक दुखदायी विचारों की निर्जरा होनी है, विकारों की निर्जरा होनी है, वैसे कामनायुक्त रागात्मक जो वासनात्मक हमारे विचार हैं, जो प्रिय लगते हैं, उनकी भी तो निर्जरा होनी है। तो वे भी प्रिय संवेदना लेकर, सुखद संवेदना लेकर उभरेंगे, और जब जब हम दृष्टाभाव से उसे देखेंगे तो उनकी भी निर्जरा होगी। तो पहुंचना उस अवस्था तक है कि दृश्य है, दृष्टा है, फिर दृष्टा भी गायब हो जाएगा। विज्ञान सिर्फ जानना बाकी है, जान रहा है, तो कोई जान रहा है ना, तो वह भी चले जाएगा, जाना जा रहा है बस। प्रज्ञा पुष्ट होती जाएगी और विज्ञान पुष्ट होता जाएगा, संज्ञा क्षीण 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 होती जाएगी। तो जब आप सतिपट्ठान कोर्स में जाएंगे तब उसमें पता लगेगा कायानुपश्यना, उसमें फिर आनापान पर्व, इस प्रकार फिर आगे के जो भी एक एक पर्व, इरियापत पर्व आए, फिर आपका वेदनानुपश्यना भी आएगा, फिर धम्मानुपश्यना आएगा। तो इस प्रकार यह भी होता है अनेकों का, साधक जब विपश्यना दी जाती है और शरीर का अवलोकन करता है तो शरीर की धातुओं का उसे बाह्य प्रक्षेपण या पता लगने लग जाता है, साधक को अनुभूति होने लग जाती है कि अब पृथ्वी धातु यानी कि कठिनता, यानी कि आप कह सकते हैं उसे कि स्थूल संवेदनाएं पृथ्वी धातु लिए आ रहा है, कहीं चिड़चिड़ापन है या फिर कहीं कुछ खुरदरापन है तो वह भी पृथ्वी धातु, फिर वायु धातु का भी पता लगता है, हलन चलन हो रही है, फिर आप यानी कि द्रव पदार्थों का भी पता लगता है, शरीर में खून बह रहा है या कुछ द्रव पदार्थ भी, इनका भी पता लगता है। इस प्रकार न जाने किस साधक को किस मनस्थिति से, किस अवस्था से, किस बोध से इन अपने शरीर की और चित्त की जो सत्यता है, जो सच्चाई है, वो उभर उभर कर किस प्रकार सामने आएगी, कह नहीं सकते। किसे हड्डियों का कंकाल दिखेगा अपना या औरों का,
तो वह भी पृथ्वी धातु। तो जब जब शरीर पर चित्त पर जो प्रधानता होगी पृथ्वी धातु की प्रधानता होगी तो वैसा यानी कि एक प्रकार से बोझ भारीपन लगेगा, वायु धातु की प्रधानता होगी तो हल्कापन लगेगा, द्रव धातु की पदार्थता होगी तो एक संश्लिष्ट होना एकत्र होना इस प्रकार का पता लगेगा। तो पोल ही पोल है, आकाश तो है ही, और जब कभी अग्नि धातु की प्रधानता होगी तो शरीर में जलन है, शरीर में दुखद संवेदनाएं हैं और कुछ कष्टकारी चित्त और शरीर। अब जब करते हैं सब्बे धम्मा वेदना समूसरना, जो भी धर्म जागेगा, जो भी चित्त पर विकार जागेगा, जो भी चित्त पर वितर्क विचार जागेगा, उसके बाद शरीर पर उसके साथ साथ ही शरीर पर उसी प्रकार की संवेदना स्थूल हो सूक्ष्म हो इस प्रकार की होती रहेगी। वैसे ही शरीर पर जब जब कुछ वेदनाएं जागती है तो बस हमें एक ही करना है, तटस्थता से वेदनाओं का अवलोकन करना है। हम कहीं उन वेदनाओं को सामिश न कर दें, वेदनाएं निरामिश ही रहे। निरामिश यानी कि हम जब जब तटस्थ है, हम जब जब समता में हैं, जब जब हम संपजन्य में हैं, उपेक्षा में हैं, सत्य जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और हम उपेक्षा में हैं, मन बिल्कुल समता में है, मन संक्षिप्त है, तब तब हम उन विकारों की निर्जरा कर रहे हैं, चाहे रागात्मक हो चाहे द्वेषात्मक हो, उन विकारों से हम मुक्ति पा रहे हैं, उतना बोझ हल्का हो रहा है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर, निर्वाण की ओर, मोक्ष की ओर हमारी यात्रा विपश्यना ध्यान साधना द्वारा करते रहते हैं। तो एक साथ हम वेदनाओं का अवलोकन जब करते हैं तब हम चित्त का भी अवलोकन कर लेते हैं, चित्त का भी कौन सा धर्म जागा है, क्या धर्म जागा है, इसकी भी अनुभूति होते रहती हैं। पर हमें सारा महत्व वेदनाओं को देना है और वेदनाओं पर हमें संपजन्य के साथ, उपेक्षा भाव के साथ, हमें समता के साथ रहना है। इस प्रकार हमारी उपासना यात्रा करनी